ये भजन चिकनियों का प्रोग्राम राजस्थान की पावन भूमि गांव नगला बना में चल रहा है। इसके रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान रोहतास पंडित जनुधर भटपुर राजस्थान से। ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई गौरव सिंह भोदार मोरोली से। पेड़ की झनकार दिखा रहे हैं श्रीमान हमारे बहुत ही प्रेमी उवार से भाई प्रेम सिंह जी। और झिका की तो झनकार दिखाई रही है आपके लिए, बड़ा बड़ा नाच गाना हो रहा है। और आपके सामने चिकड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह नगला सिंह हम भटपुर राजस्थान। आइए एक बार चिकड़ी का धमाका। दूरदराज से आए हुए सभी चिकड़ी के सौखन श्रोताओं को सबसे पहले हमारी ओर से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार। विद्वान श्रोता महान कवियों ने लिख दिया के भावना में भावना, जे भावना में भावना, जे भावना बेकार है और भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार। आइए महान कवियों ने लिखा है वो क्या लिखा है साहब। भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाय, लागी तो वह जानियो जो आर पार है। अब बताओ लाली न जाने का कह गई, हमारे संचालक जी ने कहनी परी के थोड़ो थोड़ो देओ सहारो। ऐसी बात न होनी चाहिए, मेला जिकड़ी का है और कबीरा जी लिख रहे, लाली गाय रही, आप सुन रहे थे बहुत अच्छे गाने वाली यूपीएससी और 85 पर लोहागढ़ की क्या बात है भैया जी, कबीरा जी क्या। अरे लोहागढ़ क्या है नुबीरो से और जो करता विश्व की नारा, आज जीरो भाई अब जग में नहीं किसी से हारा। अरे चाचा जी खैरपुर से आए हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में दे रहे। अरे लोहागढ़ क्या ये नबीरा क्या क्या, ये वो राजस्थानी भूमि है के कोई कहवे जरूरत ना है, थोड़े थोड़े से की के ज्यादा के। अरे तो रंगीला राजस्थान है मास्टर जी। लोहागढ़ क्या ये नबीरा से करता विश्व के वाह। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान
श्रीमान हमारे चाचा जी महावीर सिंह जी नगला मना वाले दे रहे हैं हमारे लिए, और कबीरा जी लिख रहे, गौरव जी क्या लिख रहे और बता भी दिया है, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा साहब मूला बाबा जी नगला मना वाले दे रहे, और कबीरा जी लिख रहे अपने शेर से है लड़ने को, अरे अपने शेर से है लड़ने को मुगलों ने ललकारा, अरे लोहा गाड़ी का 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे चाचा तुलाराम जी का सोट वाले दे रहे, और कहा अपने शेर से है लड़ने को मुगलों ने ललकारा, लोहा गाड़ी का सूरज मल था तेर सभी से Yeah.
पास में पहुंच गए। एक ही बात को कहते हैं, सुंदरी तू ये बता दे कहां की रहने वाली है और इस बियाबान के बीच में तू कर क्या रही है। सुने भूप के बहन नार फिर से बोली, ना झूठ को काम बात सब सांची खोल। देवे लगी जवाब, 1 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान चाचा जी सौमीर सिंह जी यादव जी, बहुत दूर से भजन सुनने के लिए आते हैं एटा मैन पुलिस से, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजा शांतनु उस स्त्री से कहते हैं, सुंदरी मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, परंतु एक बात कह दिए राजा शांतनु से भी कि तू मुझसे शादी करना चाहती है तो मेरे पिता के पास जाइए। अब वो राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशराज के पास जा रहे और कवि राजी क्या लिख रहे हैं, अरे लेके आया आशा तुम्हारे पास तेरे मती की है अपनी बेटी को हाथ रे हमारे बाबा साहब की ओर से परित्रिया से प्रेम बढ़ाई के कोई ना सुख के सोयो। बात चल रही थी कि परित्रिया से, पर क्या कह दिया काबि सुभाष करे नारी को परुन कोई पावे पति बाना।
दशराज कह रहे कि मैं अपनी बेटी का हाथ तो दे दूंगा, परंतु राजा वही बनेगा जो सत्यवती के बेटा होगा। सत्यवती के पिता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, राजा शांतनु ने भी कह दिया कि राजा वो नहीं बनेगा, राजा तो गंगा का बेटा देवव्रत ही बनेगा। राजा शांतनु वहां से चल देते हैं और भैया जी कबीरा जी क्या लिख रहे हैं, अरे मान मेरी साची तुलियो राजा, ₹50 का पुरस्कार श्रीमान नवल सिंह जी और ₹50 श्रीमान जवाहर सिंह जी हमारे लिए दे रहे। समय के अनुसार गाना और गाना भी मां साहब एक गाने की फरमाश हो रही है और वो गाना भी क्या है, चार व्यक्ति है, कुत्ता गधा उल्लू और मांस। भगवान के यहां से उम्र की उम्र का बंटवारा हुआ था जब चारों 40-40 वर्ष की उम्र थी, परंतु अब क्या हो गया, कबीरा जी लिख रहे और गाने के माध्यम से क्या लिख रहे मां साहब, गज कुत्ता गधा और उल्लू से और लेकर उम्र बढ़ा ली है, मानव तेने खामा खा की आफत गले लगा ली है, भैया तेने खामा खा की आफत गले लगा ली है। भैया जी कुत्ता गधा और उल्लू से लेकर उम्र बढ़ा ली है, बाबा तेने कुत्ता गधा उल्लू मांस के जोरी पहुंच गए। ₹50 का पुरस्कार बाबा साहब की तरफ से। भैया जी कुत्ता गधा उल्लू मांस के जोरी पहुंच गए, ये कई बातें कह रहे हैं भैया, तेरी बा भगवान से कोई ना कोई जुगाड़ होगी, तू हमारी उम्र एक में करवाए दे, माने कही चलो तो मेरे संग, कुत्ता गधा उल्लू मान सके जो संग भगवान के जोर पहुंच गए। भगवान ने कही के जो उम्र मैंने दी है उसे तो मैं वापस नहीं कर सकता,
देख लियो आदि बोलो मैं अतू तो भैया कबीरा जी क्या लिख रहे हैं। किसको दंगो उम्र तुम्हारी, अरे किसको दंगो उम्र तुम्हारी, परेशान हूँ जाके मैं। मानव बोलो तीनों नकिया तुम लिख दियो मेरे खाते में। सौ को बिंदा पूरो है गयो थोड़ी जीव हिलाने में, अपनी तो चालीसौ बीती मस्ती मौज मनाने में। छोरी सियाने है गई, उम्र गधा की आई रही है, अपनी तो चालीसौ वर्ष गौरव यही तरह बड़ी चैन में बीत गई। अब चालीस के बाद का हेरो जैसे हमारो जल सिंह भैया कितना बढ़िया गाना, तुम देख लियो न छोई सो लगेगो न छोरा सो, दुपट्टा नारे में होगो। ऐसे जल सिंह भैया पिताजी बड़े दुखी के मेरे या जल सिंह को कैसे ब्याह है जाए। अमनते कही पंडित जी के ऊ कही गौरव भैया के ऊ कही और जे लल्लू पेड़ बजा रे भैया ते तो बहुत ही कही पर जल खाते जय कुलंगो के चलो साहब परसों के दिन जल सिंह देखे आए रे। पर परसों के दिन बड़ो चक्कर पड़ गो दादाजी, जल सिंह को दसे को रिजल्ट खुलवे बारो और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे भाई साहब की तरफ से। जल सिंह को परसों रिजल्ट खुलवे बारो, पिताजी बड़े दुखी कम ऐसा नहीं हुआ मेरा छोरा फेल है जा रहे में देखो भैया चले जाए। 40 वर्ष की उम्र की बात है रही है जी दादाजी देखो भैया घर पे आ रहे। जल सिंह के पिताजी कह रहे बेटा तू रिजल्ट देखवे जाए रो, रिश्तेदार नहीं आगे तू जो ना कहनी में फेल है गो, ये कभी विषय में फेल है जाए तो तू कहनी है बोले हनुमान जी महाराज की जय, तू विषय न में है जाए तो तू कहनी है सियावर रामचंद्र की जय, वो तीन में है जा तो तू कहनी है बोले ब्रह्मा विष्णु महादेव की जय। मैं समझ जाऊंगा मेरा छोरा फेल है। रिश्तेदार घर पे बैठे जल सिंह भैया रिजल्ट देख के आए रो, पिताजी ने पसीना आए रो, कहूं ऐसा नहीं हो यो छोरा फेल है जाए। जल सिंह भैया पिताजी कह रहे दूर से रिश्तेदार नहीं आगे बस जल सिंह का रही। जल सिंह तीनों बात तने भूल गो, जल सिंह कह रो बोल सच देव महाराज की, अरे छोरा छोरी शान ये है गई उम्र गधा की आई रही है, जाकूला और बाकूला जग बुद्धि चक्कर उठाई रही है। ना लावे तो घर में बैयन डंडा ले अर्राई रही है, पूरे दिन गधा सो डोले रोटी टकराई खाई रही है। अब ये गधा की उम्र चल रही है इसके बाद में कबीरा जी लिख रहे। और देखो ये गाना में बहुत पहले गाता था पर अचानक गप्पा रे तो कछु ऐसा ही गानो कबीरा जी क्या लिख रहे। उल्लू की सी चले पूतरी हो, उल्लू की सी चले पूतरी आयु अब तो झेले नहीं, मारी सुपरी देखे बाबा खटिया में ते हिले नहीं। अब तो बाबा सुपरी सिंह मार के देख रो, अरे उल्लू की सी चलत पूतरी आयु अब तो झिले नहीं, मारी सुपरी देखे बाबा खटिया में ते हिले नहीं। हरी कहे जी नानो बार कोई उम्र किसी की बाबा नामो
बाबा ने कहूं कह दे बेटा खेत में चले जा तो बाबा का रोगा खाए रो कुत्ता सो घुर्रा मत डोले मां साहब आयु अब तो छिले न